हाय फ्रेंड, आज की बेसिक क्लास में अब ये क्वेश्चन मेरा छोड़ गया था, उसको हम देखते हैं। 2x प्लस 3y इंटू 5m माइनस 6m, कुछ नहीं करना, पहले इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे, 2 5 जा तो पचे 10, तो गुना कैसे करना, बहुत इजी, जिससे 2x को गुना कैसे हम कर रहे हैं 5m, कुछ नहीं, पहले आप ये दोनों गुना कर लीजिए, दो पचे 10, फिर x गुने m, x गुने क्या m क्या हुआ x है, x गुने m क्या होने वाला x है, या वही करें, दो पचे 10 x गुने m क्या हो x m, फिर यहां प्लस है यहां माइनस है, गुना हो रहा है, आप देख रहे गुना हो रहा है, यूज क्या हो रहा है, यानी हम गुना करें 2x गुने माइनस 6 है, गुना तो कर रहे हैं, यहां आप देखें यहां प्लस छुपा हुआ यहां माइनस, तो गुना कर रहे हैं कितना माइनस यूज हो रहा है, एक माइनस, एक क्या होता है ऑड होता है, यहां क्या साइन पड़ेगा माइनस, एन दो छपा 12 एक्स एन, फिर बात करता आगे, इसको इससे बात करें 3 गुने 5, यहां एक प्लस यहां प्लस, कोई टेंशन नहीं, प्लस में कोई टेंशन नहीं, प्लस देंगे 3 पचे 15 वाई एन, फिर 3 छोका 18 वाई एन, माइनस देखो एक माइनस की हुआ हो गया, यहां आप देखिए एक्स एम है एक्स एन है वाई एम है वाई एन है, यानी कोई किसी बराबर नहीं है, सब वेरिएबल अलग है, इसलिए यहां पे एडिशन नॉट पॉसिबल। आगे बात है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है, उसको हम देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल, किसी अंक पे आप स्क्वायर उसका मतलब है उसको आप दो बार गुना कर सकते हैं, यानी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहां आप देखिए ए गुना ए वही काम है, ए गुना है क्या हो ए स्क्वायर, अब आप बोले सर ए स्क्वायर कैसे हो गया, ए गुना ए ए स्क्वायर, हम देखते हैं यहां कर रहे ए गुना ए, किसी भी अंक पे हर एक डिजिट पे क्या होता है कम से कम मिनिमम पावर एक होता है, कुछ नहीं है पावर, यहां क्या है यहां पावर क्या है एक है, इसका पावर क्या है एक, यानी इसका घात कितना है एक है, एक है, हमको मालूम है अगर पावर अगर बेस सेम हो यानी आधार से सेम हो पावर एड होता है किसमें गुना हो, क्या हो ए पर पावर एक प्लस एक कितने ए पर पावर दो, और जो ए पर पावर दो होता है उसे हम क्या बोलते हैं ए स्क्वायर, ए पर पावर टू होता है क्या बोलते ए स्क्वायर करते हैं, यहां फॉर्मूला आपको मालूम है यही फॉर्मूला है ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर होता ए पर पावर एम प्लस एन, फिर आता है ए पर पावर एम डिवाइड ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम माइनस एन, फिर आता ए पर पावर एम उस पे पावर एन तो क्या होता है एम गुना एन, फिर ए पर पावर ए बटे बी पर पावर माइनस एम हो इसको उलट दें तो बी बटे ए कर दें तो पावर क्या हो जाएगा प्लस एम, फिर आता ए पर पावर जीरो यानी एक, यानी किसी भी डिजिट पे पावर जीरो हो क्या होता है उसका वैल्यू एक होता है, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ तो हम देख रहे हैं यहां ए गुना ए हुआ तो बेस सेम है तो इसका इसका जो पावर जुटेगा ए स्क्वायर, अब ए गुना क्या करें ए गुना बी, ए गुना बी कितना हुआ ए बी होता, दोनों बीच में गुना है ए बी मतलब क्या हुआ ए मतलब है ए गुना बी, ए हो गया, अब इसको पकड़ेंगे यहां से ए गुना ए करेंगे तो बी गुना ए क्या होगा बी ए, फिर बी गुना बी बी स्क्वायर, यानी बी गुना बी बी गुना बी, पावर एक पावर एक, और कितना हो बेस सेम है पावर जुट जाएगा बी स्क्वायर, यहां आप इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए को आप लिख सकते हैं ए बी, कोई ए बी लिखे बी ए बात दोनों सेम है प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी कितना भी हुआ दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसी तरह ए माइनस बी का निकालना हो ए माइनस बी गुना ए माइनस बी करिए, आपका होमवर्क है आप लोग करके कॉमेंट करिए हमसे बनाया जाने बना ए माइनस बी और ए माइनस बी का करके हमको बताइएगा इसका आंसर क्या आया,
और आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अगले क्लास हम अगला संडे बेसिक क्लास हम करेंगे, उसमें आपको ये सब क्लियर कर देंगे। हर संडे जो मेरा है वो होगा सिर्फ बेसिक क्लास, नो क्लास, नो एनी क्लास। बस संडे जो हम करेंगे बेसिक क्लास करेंगे, जो बहुत फायदेमंद हो क्लास हो, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक नहीं है तो आप अच्छा मैथ नहीं पढ़ सकते ना कभी नहीं। जैसे किसी घर में अगर कोई घर पिलर पे खड़ा है, पिलर है तो उस पर आप जो है तीन मंजिला बनाइए, चार मंजिला बने, कोई दिक्कत नहीं। बेस अगर उसका कमजोर है, आप चाहे उस पर पांच मंजिला कर दें तो वो कभी ना हो, बहुत दिक्कत है उसमें। क्या उससे वो एक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है वो घर। इसीलिए अपना बेस जो है हमेशा मजबूत रखिए। जिसका बेस मतलब जिसका पैर मजबूत है वो ज्यादा तेज वो दौड़ सकता है। देखते हैं अब हम बात करें इक्वेशन समीकरण। इक्वेशन इसमें क्या होता है, बहुत इजी है, बराबर के साथ होता कुछ डिजिट इधर होता है, कुछ टर्म इधर कुछ टर्म इधर। इस टर्म बोलते हैं एल एच एस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड। यानी ये दिखाता है कि एल एच एस और आर एच एस हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर इधर कोई डिजिट प्लस में है उसको हम इधर लेंगे क्या होगा, वो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर माइनस में कोई इधर है इसको इधर लेंगे आते प्लस में हो जाएगा। अगर कोई डिजिट यहां यहां इधर इन टू में है इधर आ क्या हो डिवाइड। अगर कोई स्क्वायर में, अगर कोई स्क्वायर में इधर किसमें आ जाएगा, ये सब बात है बहुत बेसिक बात है। इसका एक और रूल है, दोनों तरफ पांच जोड़ने पर, छह जोड़ने पर, छह घटाने पर, पांच भाग करने पर, बहुत बेसिक है, उसे समझ यूज करने कोई जरूरत नहीं। अगर आपका इक्वेशन आ गया तो आपका दो जोड़ने पर पांच घटाने पर बहुत ही बहुत लंबा भाग जाएगा हिसाब इसका, और ये नहीं। इसलिए ये सब बहुत बस ये ध्यान रखना, प्लस से तरह माइनस होगा, माइनस है। अगर साइड चेंज किया साइन किया, एक को टर्म कोई टर्म एक टर्म साइड चेंज कर रहा, अगर पूरे टर्म इधर है यानी पूरे एलएचएस आरएचएस है, अगर पूरे एलएचएस इधर आ जाए और पूरे आरएचएस इधर आ जाए तो साइन चेंज नहीं, कुछ नहीं करें। देखते हैं एग्जाम्पल समझ में आएगा, इसमें अच्छा से ध्यान होगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखते हैं जैसे यहां आगे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, सॉल्यूशन करें इसको। हम क्या करें, पहले मेरा ये मेरा होना चाहिए वेरिएबल एक तरफ हो जाए, कांस्टेंट एक तरफ, यानी जिसमें x y z कुछ भी लगा है वो एक तरफ आ जाए, बिना x y z वाला एक तरफ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां x लगा है तो हम क्या x y z वाला किधर रखेंगे, एल एच एस में। आप कहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं है, एल एक्स में रखिए। तो हम दो एक्स को यहां छोड़ दिए, दो एक्स है अभी भी एल, अभी भी लेफ्ट हैंड में, अभी भी लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट है राइट है। देख रहे हैं दो एक्स अभी भी, पहले भी लेफ्ट में था अभी भी लेफ्ट, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब इसको इधर बुलाएंगे भाई, इधर चला इसको इधर बुलाएंगे, ये माइनस में है राइट में है, अभी किधर आ रहा है ये बाया तरफ आ रहा है यानी लेफ्ट मारा, तो माइनस जैसे इधर आया क्या बन गए प्लस 2x साइन, यानी साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया 8 प्लस 8 है, पहले भी राइट में था अभी भी ये राइट में प्लस 8 है। अब जब ये प्लस 4 इधर आया क्या बन गया माइनस, इसका साइन ये साइन आप ये दीजिए या और दीजिए, हिंदी में बचा दीजिए या ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम ये साइन यूज करेंगे 2x4, और बढ़ते हैं 2x2 ऐसे ना 4x, 4x इसका टू 8 में से 4 लेगा ना जब 4 बचेगा। आप देखिए अब 4x इसका टू जब 4 आ गया तो x इसका टू कितना आएगा, इधर 4 किसमें है, 4x मतलब होता है 4 गुना x, क्या होता है 4 गुना x, तो 4 गुना x बराबर 4 है, यानी यहां जो 4 किसमें गुना में
तो फोर जब इधर आते हो बटा, यानी बटा मतलब क्या भाग, किसमें आ जाए बाय, यानी फोर बाय फोर, यानी आप यहाँ पे क्या है, यानी इसका मतलब ये फोर में से फोर को हम डिवाइड करें, ठीक है। इधर जो है एक्स स्क्वायर क्या हो, इधर क्या है इंटू फोर है, इधर किसमें डिवाइड में फोर अपॉन, ये फोर कहाँ आ जाएगा नीचे, फोर बन जाए फोर, फोर बन जाए फोर, एक बटा एक यानी एक, यानी जब भी हम कैंसिल आउट करेंगे सेम टेबल फोर्स कर रहे हैं, फोर्स ऊपर भी कटना चाहिए अंश भी और फोर्स से हर भी कटना, तब का ऐसा बात नहीं है। अगर मान किसी सोलह बटे पांच है, चार से चार चौके सोलह, पांच में पांच, ये गलत है क्या, यानी जब भी हम कैंसिल आउट करेंगे वो सेम टेबल करेंगे। अब क्यों कैंसिल आउट होगा आपको बताते हैं, यहां पर कैंसिल आउट करने का तो वो क्यों पड़ा वो आपको बताते हैं। जैसे कहीं आगे एट अपॉन फोर, एट का आप तोड़ लीजिए कितना होगा, चार दुनी आठ, चार दुनी आठ, चार है ये, कैंसिल कर दीजिए दो बच गए, ठीक है। ये एक्स कितना आ गया एक आ गया, ये सब नॉलेज इतनी नॉलेज आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आगे जो टेंथ क्लास में जो है ये आप ये बहुपद जो है आप दो चार वाले देखें समीकरण है, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, ये सब में जो है मेनली जो डिपेंड करेगा आपके इक्वेशन पर, आपका इक्वेशन कितना अच्छा है। अगर आपका इक्वेशन अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक चर वाला आएगा क्या है पता, एक चर था इसमें, वहां पर दो चर यानी एक्स वाई दोनों आएंगे, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत आराम से पढ़ाने वाले हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं, कहीं इसको दिक्कत आने वाला नहीं होगा, बस समझते रहिए और जो दिक्कत हो उसे कमेंट में लिखिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइव एक्स थ्री इसका टू माइनस फाइव इधर पंद्रह करते हैं प्लस एट, अब क्या होगा, 15 एक्स ये प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगी प्लस पांच एक्स हो जाएगा, इधर बच गया एट प्लस जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, क्या हो गया 20x = 5, इसलिए एक्स कितना हो जाएगा 5/20, पांच टेबल काटिए पांच कम पांच, पांच को 20 है एक बटे चार, ठीक है, सब बहुत बेसिक है, भिन्न जोड़ भिन्न घटा भिन्न गुना भिन्न भिन्न भाग, कोई दिक्कत नहीं आपको हम बताते हैं। भिन्न जोड़ मतलब क्या हो, तीन बटे दो और पांच बटे चार करना है, कुछ नहीं, इस दोनों कैल्सियम देना है, इस दोनों देना है, इस दोनों को इस दोनों कैल्सियम देना है, दो और चार कैल्सियम ऐसे लेते हैं, दो से दो कम दो चार, दोस्त करें दो एकम दो एकम दो, एक लास्ट मारे आप छोड़ दें, एलसीएम दो बना दो एलसीएम कैसे चार, एलसीएम चार ऐसा हो गया दो दुनी चार, दो वार्म हुआ दो दुनी चार, दो वार्म कर गया, अब जितना वार्म करना है ऊपर इंटू करना है, दो दुनी चार दो वार्म, अब ये दो किससे गुना करेंगे तीन में, कितना दो तीन छह, चार एकम चार एक वार्म में एक बोले पांच पांच छह पांच ग्यारह बटे चार, अब इसे कैसे करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे करें, चार दुनी आठ, देखिए भाग देना है भाग देना, चार दुनी आठ चार थे बारह, तो हम चार थे बारह करेंगे तो ये ज्यादा हो रहा, चार थे बारह में ज्यादा हो रहा, तो हम करेंगे चार दुनी आठ, चार दुनी आठ यानी यहां तक आठ आप यूज कर चुके हैं, आठ आप यूज कर चुके, कितना बजे आप तीन बजे, कितना बजे आप तीन, चार दुनी आठ कितना बजे तीन, जो बचा उसका किससे भाग करें चार, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, टू इस टू दो सही तीन बटे चार, ठीक ऐसे लिख दीजिए, वरना अपन सब जो है यही छोड़ दीजिए, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं, घटा वही करना बीच में घटा देना, गुना कुछ नहीं करना, पांच बटे चार गुने छ बटे सात है कुछ नहीं, छ बचे तीस और सात सौ अट्ठाईस, कटरा काट दीजिए आप यहां भी काट सकते थे, पंद्रह बटे चौदह हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये कर सकते हैं आप बिल्कुल, गुना कुछ नहीं करना है ऊपर ऊपर गुना नहीं, अब भी गुना कहीं एक्स आ गया वाई आ गया जेड आ गया
यहाँ पी है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 × 5 = 30 एक्स वाई और ये वाई जेड, यहाँ एक्स वाई हाँ वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब भाग में क्या होता है 5/4 / 6/7 कुछ नहीं करना, ये डिजिट को ऐसे लेंगे 5/4 ये इंटू बदल जाएगा, एक इंटू जैसे करेंगे 7 ऊपर चल जाएगा 6 नीचे आ जाएगा 7 × 5 = 35 × 6 = 24 ये आपको बिंदु भाग हो गया। फिर अगला संदेह जो और जो बेसिक बचा होगा प्राइम नंबर है उसपे कैसे क्या करना है, रियल नंबर है उसमें क्या करना है कैसे करना है, वो सब हम धीरे धीरे वहां पे हम करते आएंगे ठीक है। लेकिन आप जो है मैथ को कम से कम मन रखना पड़ेगा, कम से कम आप मैथ चाहते मेरा मैथ अच्छा हो तो आपको पर डे कम से कम 3 से 4 घंटा मैथ पढ़ना पड़ेगा कम से कम। मैथ में जो है प्रैक्टिस मांगता है, मैथ प्रैक्टिस अच्छा है तो आप करेंगे अच्छा, और मैथ से डरना नहीं है, मैथ क्यों आप जिससे डरते हैं वो आपको ज्यादा डराता है, अगर मैथ से डरेंगे तो मैथ आपको और डराएगा ठीक है, तो डरना नहीं है उसका मुकाबला करना है, मैथ से डरने के बाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर मैथ से डर गए मतलब आप पढ़ाई से डर गए, अगर मैथ से डर रहे हैं इसका मतलब है आपने सोच लिया कि हमको आगे पढ़ना नहीं है। मैं सब मेरे लाइफ डेली लाइफ मेरा मैं जो चीज मेरा दैनिक यूज भी यूज हो रहा है, जैसे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ में हम सब्जी लाते हैं कोई सामान खरीदते हैं कुछ कुछ करते हैं उसमें क्या होता है पैसा हम देते हैं लेते हैं। मैं तो अपने 100 रुपये ले गया मार्केटिंग किया 70 रुपये मार्केटिंग किया 30 रुपये बचे क्या हो घाटा हो गया, कितना मार्केटिंग किया कितना क्या किया ये सब जो है मेरा जिंदगी जो है घिरा हुआ मैथ से घिरा हुआ मैथ जो जिससे हम लोग घिरे हुए हैं और उससे लोग डरे ये बहुत मूर्खता होती है बहुत मतलब वो मतलब डर रहा है जबकि डरना नहीं चाहिए। मैथ इज द वेरी इजी सब्जेक्ट इतना ये मजेदार सब्जेक्ट है ना जब ये बनाने में मजा आता है ना तो बहुत अच्छा है लेकिन जब ये फंसता तो ऐसा तो वहां बच्चा को परेशानी हो जाता है सर नहीं बनता तो माइंड अजीब से करता है पढ़ने मन नहीं कोई दिक्कत नहीं बने कोई दिक्कत नहीं बने फिर से उसको ट्राई बाद में करें ठीक है। और आपका जो है क्लास 10th वाला ओनली 4 मंथ बच चुका है आप लोग अपने पढ़ाई में जो ध्यान ज्यादा दीजिए जो आप ये पढ़ रहे हैं 2 घंटा 3 घंटे से कुछ होने वाला नहीं कुछ नहीं होगा। आप जो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हैं सोच रहे हैं बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो वह नहीं है आप पढ़ने के लिए रूटीन बनाइए हम रूटीन बताते हैं हम जो रूटीन बताते हैं अगर वो फॉलो करिए 4 महीना उम्मीद है आप बेस्ट करिए। रूटीन ये है आप जो है एक नोटबुक लाइए छोटा सा नोटबुक लाइए उसमें आप लिखिए स्टार्ट टाइम लिखिए उसमें फिर लिखिए पाउज फिर लिखिए री स्टार्ट 3 कॉलम बनना चाहिए और ऊपर में मेरा एक डेट यानी किस डेट का स्टार्ट हो रहा और किस डेट का रीस्टार्ट है यानी जो डेट में आप ये है ये एक दिन का है किसका है एक दिन का है। जैसे आप यहां पे आज मतलब मान लीजिए हम बात करते हैं मतलब आज से मान लीजिए हम 5 तारीख है मेरा 5 तारीख है हम जैसे मतलब मान लीजिए हम स्टार्ट किए पढ़ना चालू किए सुबह के 6 बजे से हम लेंगे स्टार्ट 6 AM स्टार्ट कर दिए अगर कोई कारण बस अम्मी बुला रही है अबू बुला रहे हैं या कुछ कारण से बाहर यानी हमको कुछ भी जरूरत पड़े हम बाहर जा रहे हैं यहां हम लिख रहे हैं पाउज टाइम में अगर आप 6:45 निकले यहां लिखिए 6:45 निकले पाउज टाइम AM हो गया। आप फिर देखिए यहां पे आप रोके हैं फिर रीस्टार्ट कब करें मान लीजिए आप आ गए 7 बजे काम हो गया अब 7 बजे आप देखिए और ये स्टार्ट फिर उसी तरह करना है फिर आ रही स्टार्ट इससे आप जो है ऐड करेंगे ऐसे आपको लगे हम 6-7 करेंगे 7 आप नहीं पढ़ेंगे आप देख रहे हैं यहां 15 मिनट आप घोटाला किए 45 में आप गए 7 बजे आ रहे हैं आपको किताब खुला पढ़ नहीं रहे किताब खुला मतलब ये नहीं होता पढ़ रहे हाँ बहुत बच्चे का रीस्टार्ट मतलब देखते हैं किताब से 1 घंटा पढ़ लिया 15 मिनट पढ़ लिया किताब खुला उसको तो हम पढ़ ही रहे ऐसा कुछ नहीं होता आप जो हम 15 मिनट लॉस इसी तरह करते 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 आप भर दिन में जोड़िए सोने से पहले आप जोड़ लीजिए आज हम कितना घंटा पढ़े हैं तो उससे वैसा अगर आप पढ़ते हैं
इस तरीके से पढ़ते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा आप कितना घंटा पढ़ते हैं और आपकी औकात कितनी है, यहां साबित हो। और जो है, और हर संडे को, हर संडे को शाम या दोपहर में कोई टाइम आप चूज करिए, उसमें आप अपना टेस्ट खुद लीजिए, सेल्फ टेस्ट लीजिए। यदि आप ये अपना 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, हम ये बनाना है, सिलेक्ट कर लिए और टाइमर सेट करिए और सोचिए इस टाइम के अंदर बनाना है। अगर नहीं उस टाइम के अंदर बने, प्रैक्टिस मोर करिए और चाहे हम कम से कम टाइम में हम अच्छा से अच्छा बना सकें, इससे ही आपका स्पीड बढ़ेगी और मैथ आपका बहुत अच्छा होगा। आप ये रूटीन फॉलो करते हैं, उम्मीद करते हैं आप बहुत बेस्ट करिएगा। या आपको झकझोरेगी अंदर से, आप जो पढ़ रहे हैं उसे भर दो घंटा हो तो सफिशियंट बिल्कुल नहीं है। दो घंटा पढ़ रहे हैं ये सफिशियंट बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप स्टूडेंट है, कोई काम आप करें, खाना पीना है, तो आपको पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ध्यान दे रहे ना अपना, तो पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि हम पढ़े नहीं पड़े, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा आप पर। अपने पढ़ाई को मजबूती दीजिए, मन लगा पढ़िए, यही आपका है की ऑफ योर लाइफ। स्टडी जो है आपकी जिंदगी का चाबी है, आपकी जितना मजबूत चाबी होगा उतना बड़ा सारा तालाब खोल सकेंगे, यानी अपने सक्सेस को जो है बड़ा बड़ा सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। और आपके पास एजुकेशन अच्छा है, पढ़िए, एंजॉय करिए। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए अशफाक को इजाजत, बाय, फिर मिलेंगे।